देखिए ये समझ में जैसी चीजें और ये डाइट फॉलो करते इको इको एक है इकोलॉजी जो कुदरत ने बनाई थी सभी को समान अधिकार दे दिए। 84 लाख जीव है सभी को बोले जाओ ये पृथ्वी पे जाके अपनी जीवनचर्या करो आनंद से रहो मजे से रहो बराबर है। सबसे उत्कृष्ट जीव कौन सा सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता किसकी ऐसा हम वो लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं किसको पता है पहले चीज है हम मनुष्य है क्या अभी ये फंडामेंटल क्वेश्चन आता है सामाजिक प्राणी नहीं नहीं देखिए पहली बात सुनिए आज जितना भी बोध हमको दिया है जानवर से ही दिया ना प्राणी जगत को देखो प्रकृति को देखो हमको क्यों इसके एग्जांपल्स देने पड़ते हैं हमको ये सब एग्जांपल क्यों दिए जाते हैं वनस्पति के एग्जाम्पल दिए जाते हैं प्राणियों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं घोड़ा क्या खाता है गाय क्या खाती है ये वनस्पति क्या लेती है सब प्रकृति के या तो प्राणियों के दिए जाते हैं क्यों हम तो उसके ऊपर हैं क्योंकि जानवर के नीचे का एक लेवल भी है क्या है शैतान हम मनुष्य नहीं हम शैतान है तो पहले शैतान से कम जानवर जितनी तो अंडरस्टैंडिंग लाओ मनुष्य है उसके ऊपर जो है ईश्वर तत्व है मनुष्य ईश्वर तत्व के नजदीक जा सकता है लेकिन मनुष्य जो है जानवर से भी नीचे गिर के शैतान बन चुका है मनुष्य के नीचे जानवर तत्व है और जानवर से नीचे तत्व क्या है हम वहां जाके बैठे हैं तो कम से कम जानवर जैसा तो जिए जानवर प्रकृति के नियम नहीं तोड़ता है कोई जानवर ने प्रकृति के नियम तोड़े तो हम भी प्रकृति के नियम नहीं तोड़ेंगे तो कम से कम जानवर के से सीखते हैं तो जानवर हमारे गुरु है तो सभी जानवर या सभी जीवों के लिए जोरदार तालियां बजाओ तो उन्होंने हमको जोर दिया ये सब तो समझाया है हम तो दिशा ही थे आपको देख के कुछ न कुछ तो सीखे हम वरना हम तो ज्ञान के मिथ्या अहंकार में डूबे थे वी आर अबाउट गॉड वी आर अबाउट द नेचर ये सोच सोच के हमने आज आइए बर्बादी लाई हमारी तो शैतान के स्तर पे हर कोई दूसरे को लूटने को तैयार है कि नहीं है कि नहीं मेरा फायदा होना चाहिए दूसरे का जो हो होता है कि नहीं हम सब मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं यही चीज शैतान करते थे कि नहीं रावण क्या था शैतान की उसमें देखो वो भी बहुत ज्ञानी था आपको पता है विद्वान था बुद्धिशाली था बलशाली था सब था लेकिन अहंकार आ गया शैतानी आ गए बराबर है तो ये रावण हमारे अंदर है कि नहीं ये दुर्योधन हमारे अंदर है कि नहीं तो क्या है कि जब तक शैतान हमारे अंदर बैठा है तब तक हम जानवर के लेवल तक के भी नहीं है। अगर मैं आपको जानवर और जो शैतान की कंपैरिजन करके बताऊं तो आपको पता चलेगा यार हम इतने गंदे हैं और जानवर तो इतने कुदरत के नजदीक है क्योंकि उनको गलत करने को आता नहीं है वो डरते भी नहीं है और डर उनका बहुत टेम्पररी होता है हमारा डर तो 365 डेज पिछले 2 साल से तो हम कोरोना से डरे हुए हैं है कि नहीं इतना डर रहेगा तो आदमी स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। जो डर गया गब्बर सिंह ये कह के गया बराबर है तो ये परिस्थिति है समझ रहे हो तो शैतान के स्तर से कम जानवर के स्तर पे आ गए ना तो कुदरत के नियम पालन करेंगे
कुदरत के नियम पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बढ़ती मनुष्य के लेवल पे हो जाएगी। और मनुष्य के लेवल पे अगर हम पहुंच गए तो परमात्मा अपने पास अपने आप से धीरे धीरे बुलाएगा, आजा तेरी ही कंपनी के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। आई वॉन्ट पीपल लाइक यू, आई वॉन्ट ह्यूमन बींग्स नॉट डेविल्स। हम लोग आज डेविल बन चुके हैं इसीलिए ईश्वर से हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा, मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा, बिकॉज वी आर डेविल्स। जानवर बनेंगे तो कनेक्शन तो आएगा। देखो मैंने बहुत कड़वी बात बोली है, किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन जो सत्य मेरे भीतर आया मैंने तो बोल दिया है। ओके ओके, तो ये जो है हमको ट्रस्टी के जैसे रहना था, सभी जीवों को समान अधिकार है, उतने ही हक है। अगर कोई जीव में तकलीफ में है तो मैं उसको मदद करूंगा। क्या काम था हमारा? मदद। तकलीफ में है तो मदद करूंगा, वरना किसी को मदद की जरूरत भी नहीं है। वो संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने करके रखी है। 84 लाख जीवों की व्यवस्था किसने की है? हमारी कोई जरूरत नहीं है। जंगल में जो जीव रहते हैं उसको क्या कुछ करने जाते हैं? कोई मदद के लिए दौड़ के आया क्या यहाँ पे? अरे सर मेरे को ये डायरिया हो गया, बुखार हो गया, मुझे वो कुछ गोलियां दो। कोई मेडिकल स्टोर पे आया, कोई डॉक्टर के अस्पताल में गया, वो अपने आप से ठीक हो जाता है। कोई मुझे अटैक कर रहा है, आया हमारे से पी मरने के लिए, यूक्रेन रशिया का हो गया, कोई आया कुछ जानवर में से कोई आया, सर सर प्लीज मेरे को शेर मार रहा है, वो अपना डिफेंड कर लेगा या तो सही हो जाएगा, जो भी करना है उनके ग्रुप में जो करना है कर लेते। हरेक की व्यवस्था है, हरेक का बैलेंसिंग है, राइट? जंगल में रहते हुए जानवर सुखी है या यहाँ हमारे पाले हुए जानवर सुखी है? क्यों? वो स्वतंत्र है, स्वस्थ भी है, अपने हिसाब से जीते हैं। स्वार्थ के कारण हम प्राणियों को पालते हैं, ऊपर से जीव दया का नाम लेते हैं, वो आगे टॉपिक में हम लेंगे। और जीव दया के नाम पे जो वाट लगाई है हमने, वो आगे हम देखते हैं। ओके? अभी मनु